एसीआई की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संधि, और पिछली क्लास में हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था और ये चार उदाहरण मैंने आपको करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो शायद आपने कर लिए होंगे। एक बार मैं इनके आंसर आपको बता देता हूं। देखो, चंद्रोदय है यहाँ पे, ये जो एक मात्रा हमें ऊपर दिखाई दे रही है, ये जो ओ की मात्रा है, इसको सबसे पहले अलग करना है। चलो सबसे पहले अलग कर लेते हैं, ये लो। आगे क्या है? दय है। अब गुण संधि में ओ किसके स्थान पे आता है? गुण संधि में ओ आता है ए या आ प्लस ऊ या ऊ, दोनों के स्थान पे क्या आएगा? ओ। ये नियम था अपना, तो ओ के स्थान पे ये दो वर्ण आएंगे, ए या आ प्लस ऊ या ऊ। इधर हमें ए या आ में से एक लेना है, तो चंद्र बनेगा, चंद्र के लिए हम ए लेंगे। उदय में ऊ कैसा आता है? छोटा। यहां शेष वर्ण ऐसे कैसे? आगे क्या है? दय है। ओके, दय में ए मिलेगा तो दय पूरा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? चंद्र प्लस उदय है। ओके, फिर ग्रीष्म ऋतु। सबसे पहले यहां पे देखो, मैं में ए है और आगे आगे क्या है? आधा रे। अर हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अर को अलग करो, मैं को हलंत करेंगे, ए निकलेगा, आधे रे को वापस नीचे ले आओ। आगे क्या है? तू है। अर गुण संधि में अर किसके स्थान पे आता है? आपको याद हो तो ए या आ प्लस रिया बड़ी री, दोनों के स्थान पे क्या आता है? अर। यही था नियम, तो अर के स्थान पे ए या आ प्लस री ये आएगा। तो इधर हमें ए या आ में से एक लेना है, ग्रीष्म शब्द बनेगा तो हम क्या लेंगे? ए, और री छोटी, ऋतु में री छोटी आती है। ठीक है, शेष वर्ण लिखेंगे, यहां लिखा हुआ है ग्रीष्म, आगे क्या है? तू है। मैं में ए मिल जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा, ये क्या बन गया? ग्रीष्म प्लस ऋतु है। चेक कर लो अपने अपने, सही है क्या? ओके, सुरेंद्र है, एक ही मात्रा है और गुण संधि में एक किसके स्थान पे आता है? ए या आ प्लस या ई, दोनों के स्थान पे क्या आएगा? ए। तो सबसे पहले ए को अलग करो, सु रे को हलंत करेंगे, ए शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो? ए के स्थान पे ए या आ प्लस ई आई, तो इधर हम ए लेंगे क्योंकि सुर शब्द बनेगा और यहां इंदर में ई हमेशा छोटी आती है। ओके, रे में ए मिल जाएगा, रे पूरा हो जाएगा, सुर प्लस से इंद्र है, ये संधि विच्छेद हो जाएंगे। ओके, मिटा दूं। हाँ, तव प्लस लकार है। देखो यहां पे आधा लय है, इससे पहले ए है, अल ते व को हलंत करेंगे, ए निकलेगा, लय आधा है, कार आगे लिखा हुआ है, कार है। अल किसके स्थान पे आता है? ए या प्लस लरी, दोनों के स्थान पे क्या आता है? अल। तो अल के स्थान पे ये आएंगे, इधर ए या आ में से एक लेना है और आगे लरे। ओके, तो ए प्लस लरी ये लेंगे हम इसके स्थान पे, यहां शेष है तय और आधा वे, आगे क्या है? कार्य है। वे में ए मिलेगा, वे पूरा हो जाएगा, तव प्लस लरी कार्य है। ठीक है, मिटा दो। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। ठीक है, तीन संधियां हम पढ़ चुके हैं, चार नंबर की अपनी संधि है वृद्धि अच संधि। देखो भाई, सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र वृद्धि रेची,
ये सूत्र होता है वृद्धि संधि का, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमने गुण संधि पढ़ी थी उसका जो आगे का भाग है ना वो वृद्धि संधि है। कैसे, देखो पहले मैं गुण संधि का नियम लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं एक बार, ए या आ प्लस ई या ई दोनों के स्थान पे ए, ए या आ प्लस ऊ या ऊ दोनों के स्थान पे ओ, ए या आ प्लस री या दीर्घ री दोनों के स्थान पे अर, ए या आ प्लस लरी दोनों के स्थान पर क्या आता है अल। ये गुण संधि का नियम है गुण का। अब वृद्धि का नियम क्या होगा, देखो यहां ए या से हमने शुरुआत कर रखी है, ई ऊ रे लरी, इसके बाद में स्वर कौन से आते हैं ए आई ओ औ, और इधर क्या रहेंगे ए या आ, ठीक है। अर्थात देखो ए या आ के बाद ई से लेकर के लरी तक कोई वर्ण आए तो गुण संधि, और ए या आ के बाद में ए से लेकर के औ तक कोई भी वर्ण आए तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। तो हो गया ना इसके आगे का भाग। तो अब अपने पास नियम क्या आ गया, वृद्धि का नियम क्या होता है, ए या आ के बाद में ए या आई आए तो दोनों के स्थान पे आई एकादेश हो जाता है, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। ये नियम किसका है, वृद्धि संधि का। तो शायद आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी, तो पेन नोटबुक उठाओ और वृद्धि संधि की परिभाषा लिखो लिखो। यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई तथा यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई तथा ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, ठीक है। ये लिखो और ये लिख के सारणी बनाओ जल्दी। ठीक है, आप वीडियो रोक के लिख लेना। और अब हम देखते हैं उदाहरण, एक एक उदाहरण समझते हैं। देखो एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, जल प्लस हो गए है। देखो यहां पे लास्ट वर्ण क्या है, क में ए है, देखो ए, क को हलंत करेंगे इसमें से क्या निकलेगा ए। आगे क्या दिया हुआ है एकम, ए के बाद में क्या आ रहा है ए, ए के बाद में क्या आ रहा है ए, तो ए के बाद में ए आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आई, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आ गया आई, ये लो ये हो गया परिवर्तन, ठीक है। अब शेष वर्ण हमें ऐसे कैसे ही लिखने हैं, यहां शेष क्या है ए और आधा क, आगे क्या है कम, आई की मात्रा क के ऊपर लग जाएगी, ये बन गया एक आई कम, ठीक है ना। यहां पे भी सेम ही प्रक्रिया रहेगी, जय ले को हम हलंत करेंगे तो ए निकलेगा और आगे क्या दिया हुआ है ओ गए है, ए के बाद में ओ आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है ओ, तो दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा औ, बस ये लो। इन दोनों के स्थान पे हमें क्या करना है औ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहां जय है और आधा ले, आगे क्या है घ है, औ की मात्रा ले के ऊपर लग जाएगी तो ये शब्द क्या बन जाएगा जलोगह है, ठीक है। दोनों उदाहरण लिख लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो।
ठीक, और देखते हैं उदाहरण। गंगा प्लस हो गए हैं, महाधन औषधि है, महाधने औषधि है। देखो सेम वही उसी हिसाब से करना है, लास्ट वन को अलग करना है, गंग गय को हलंत करेंगे तो आ निकलेगा, आगे क्या है ओ गय है, अच्छे से समझो, आ के बाद में ओ आ रहा है, ये देखो ये आ है, इसके बाद में क्या आ रहा है ओ, आ के बाद में ओ आए तो इन दोनों के स्थान पे क्या होता है औ, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे क्या हो जाएगा औ, ये लो हो गया। अब जो वर्ण बच गए उनको ऐसे कैसा नीचे लिखना है, तो इनको ऐसे का ऐसा हम यहां लिख देते हैं, गंग और आधा गए, आगे क्या है गय है, औ की मात्रा गय के ऊपर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा गंगो गय है, ठीक है, ये गय है ये। इसी प्रकार मैं है को हलंत करेंगे आ निकलेगा और आगे क्या दिया हुआ है औषधि है, ठीक है ना, आ के बाद में औ आ रहा है, आ के बाद में औ आए तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आएगा औ आएगा, ठीक है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आ जाएगा ये लो औ, ठीक। अब शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं हमें, मैं और आधा है ये है ना, यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है स और धी है, औ की मात्रा है के ऊपर लग जाएगी तो ये सब क्या बन जाएगा महोषधि है, ओके। लिखो इन उदाहरणों को, वीडियो रोक के लिख लेना, ठीक है, और देखते हैं उदाहरण, और देखो शुभ धन एसी, शुभ धन एसी, यहां पे ए के बाद में क्या आ रहा है ए के बाद में ए आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आई, ठीक है, तो सबसे पहले इस भय में जो ए है उसको अलग करना है और अलग करके ए और ए इन दोनों के स्थान पे हमें क्या करना है आई करना है, दोनों के स्थान पे क्या करना है आई, हो गया। अब शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, बस सु और आधा भय, आगे क्या है सी, आई आई की मात्रा भय के ऊपर लग जाएगी ये क्या बन जाएगा शुभेशी, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, देव प्लस ऐश्वर्य, ए के बाद में आई आ रहा है, ए के बाद आई आए तो दोनों के स्थान पे आई एकादेश हो जाता है, तो यहां पे सबसे पहले हमें इस व में जो ए है उसको अलग करना है और दूसरा कार्य क्या करना है ए और आई के स्थान पे क्या करना है आई, नियम के अनुसार ए और आई के स्थान पे ये सॉरी आई के स्थान पे क्या हो गया आई, ठीक है, हो गया। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो, दे और आधा व, आगे क्या शेष है वर्यम, ठीक है। अब आई की मात्रा व के ऊपर लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा देवेश्वर्य, ये लो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देखेंगे विच्छेद करना सीखेंगे, हम शब्दों से विच्छेद, ये तो हमने
अब देखो सबसे पहले शब्द में पहचान, शब्द में कैसे पहचान हो कि इसमें वृद्धि संधि है, ये शब्द में पहचान लिख लो साथ में। यदि यदि शब्द के मध्य दूसरे वर्ण पर दो मात्राएं ऐसे हो तो वहां वृद्धि संधि हो सकती है। ये शब्द में पहचान है भाई। दो मात्राओं का मतलब क्या है यहाँ पे, या तो ऐ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सदैव, तत्रैव और जनोचित्तम, इनके अलावा तवोदार्यम, इनके अलावा अद्देव, वनौषधि है, वसुधेव है ना, वसुधेव आदि। इन सभी शब्दों में आप देख सकते हो यहां पर भी दो मात्राएं हैं, यहां पर भी दो मात्राएं हैं, यहां पर भी दो मात्राएं हैं, यहां पर भी दो मात्रा है, यहां पर भी दो मात्रा है, यहां पर भी दो मात्रा है, यहां पर भी दो मात्रा है। तो इन सभी में संधि भी कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी पहचान है। सबसे पहले आपको ये जो मात्रा है इसको ही अलग करना है। जैसे इसका देखते हैं, सबसे पहले सदैव का, सदैव से दे को हलंत करेंगे तो इसमें से किसकी मात्रा निकलेगी, ऐ की, और आगे क्या है वह। ऐ किसके स्थान पे आता है, ऐ आता है ए या प्लस ए या ऐ, तो ऐ के स्थान पे ये आ जाएंगे, उल्टा होगा इसमें, ठीक है, परिवर्तन करना है। तो यहां आपको शब्द देखना पड़ेगा कि यहां शब्द क्या बन रहा है, सदा बनेगा, सद नहीं होता सदा होता है, तो यहां पे हम ले लेंगे आ, और एयू बनेगा आगे तो ए ले लेंगे। ये तो हो गया परिवर्तन ऐ के स्थान पे, ऐ के स्थान पे हमने क्या लिख लिया आ और ए। आ क्यों लिया, क्योंकि सदा बनेगा शब्द। ए क्यों लिया, क्योंकि आगे वह पहले से है, ये देखो ये वह, एयू बनेगा, ठीक है। आ की मात्रा दय के ऊपर लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, सदा प्लस एम, ओके, ठीक है, मिटा दूं। ये सदैव हो गया। अब एक दो उदाहरण मैं बता देता हूं, बाकी आप कर लेना, ये और बता देता हूं। जनोचित्तम देखो, जनो चित्तम, सबसे पहले ये जो औ की मात्रा है इसको अलग करो, जय नय को हलंत करेंगे औ निकलेगा, आगे क्या है चित्तम, ठीक है। यहां पे औ किसके स्थान पे आता है, ए या प्लस ओ या औ, तो ए या में से एक लेना है, जन बनेगा तो ए लेंगे। यहां क्या बनेगा, औचित्यम में औ आता है ये वाला, ये औ ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना क्या परिवर्तन, औ के स्थान पे हमने क्या लिख लिए, ए प्लस ए औ। अब शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, इधर शेष क्या है, जय और आधा नय, आगे शेष क्या है चित्तम, ए नय में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, जन प्लस और चित्त, जन प्लस और चित्तम, ठीक है। बाकी जो बच गए ये आप स्वयं कर लेना, ओके, धन्यवाद।